शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे, अभी बताते हैं इन्हें। अरे धर्म, ये तो हमारी ओर आ रही है। अबे तू जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, निकल यहाँ से। ए, ए, पीछे चल। तो तुम लोगों की वजह से हमारे बाबा इतना डरे हुए, तुम्हें तो ना हम बताते। ए, चल ए, चल 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 आ गई। ए, ए, माता बड़े जेम्स बॉन्ड बनने चले तो तुम्हारी सारी जान से अपने निकालते। अब कहाँ भाग रहे हो? दम है तो करो ना हमारा सामना, करो। सखी, शांत हो जाओ। तुलसी, अरे नेताजी, कथावाचक जी को लेकर आए हैं तो इन्हें घर भी छोड़ आइए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है, मुझे है। अब आप मामूली कथावाचक नहीं हैं, 100 करोड़ के सिग्नेचर वाले आदमी हैं। अब आपकी सुरक्षा की गारंटी मुझे चाहिए। धारीवाल जी, मुबारक हो, डील फाइनल हो गई है। लड्डू खाना तो बनता है। मुझे शुगर है, मुझे शुगर है। अरे आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए मैं हूं ना, बोलिए। आ, 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 आप पंडित जी, आप यहाँ के प्रसिद्ध कथावाचक, भक्तों की भीड़ लगी रहती है, तो कभी हमें भी बुलाइए अपनी कथा में मुख्य अतिथि बनाकर। अरे पंखा से लेकर पंडाल तक सबका फाइनेंस कर देंगे, क्या दिक्कत है? आपको सिर्फ अपने भक्तों को यह कहना है कि नेमचंद जी उर्फ बिचलू भैया, यानी कि मैं उनका सबसे बड़ा सेवक, प्रधान सेवक। आपको जनसेवक बनना है ना? जी। तो सबसे पहले आपको पाप की सेवा बंद करनी होगी। हे, कर दी ना घर तोड़ने वाली बात। वो हमारे बाबूजी है पंडित जी, अगर हम विधायक बन भी गए, जो हम बनेंगे, तो भी उनका कर्जा हम नहीं भूल सकते। आप भी मत भूलिएगा 11 बजे, है ना? राधे 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 राधे। चलिए चलिए, लेट हो रहा है, चलिए चलिए। चलो बे तुलसी, तुलसी तुलसी कहाँ चलेगी? पंडित जी, हाँ आप आ गए, अब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लेकिन तुलसी कहाँ? वो तो आपको ही लेने गई थी। हाँ? फोन फोन मेरा फोन मेरा फोन कहाँ? सखा तुलसी, इस समय तुम बाबा वेश से भरी हुई हो, अपने मन को शांत करो सखी। पर सखा, वो त्रिगुण सोलंकी आपके भक्तों के तुलसी धाम को नष्ट करने पर तुला हुआ है, आप ही बताइए हम कैसे खुद को शांत करें? सखी, आवेश एक बुलबुले के समान होता है, इसलिए आवेश में लिया हुआ कोई भी निर्णय कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। तो आप क्या चाहते हैं लड्डू गोपाल? वो त्रिगुण सोलंकी बैठकर पाप पे पाप करता रहे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं सखी, पर हर कार्य का एक समय होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए प्रतीक्षा करनी होती है, वैसे ही समय की गति अधर्म को उसके चरम पर ले जाती है और तभी उसका नाश आरंभ होता है। सखा, हम कुछ समझे नहीं। तुलसी, अंधेरे को अंधेरे से नहीं पराजित किया जा सकता, उसे जीतने के लिए दीपक जलाना होता है। इसलिए तुम्हें अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है तुलसी, तुम्हें तुलसी होना नहीं छोड़ना है।
क्योंकि तुम्हारी पवित्रता इस त्रिगुण सोलंकी के पाप का नाश करेगी। सर, बाबा, बाबा आप कहाँ हैं? आप ठीक है ना? बेटा मैं तो घर पर आ गया हूँ, तुम कहाँ पर हो? हम बस अभी आ रहे हैं बस। सर, सखा आपकी कृपा से बाबा बिल्कुल ठीक है और सही सलामत घर आ चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप उस त्रिगुण सोलंकी को उनके किए का फल जरूर देंगे। जय लड्डू गोपाल। ओहो, ऐसी क्या खता हो गई मेरे हुजूर? आप ना हमसे लव ही नहीं करते हो, अगर करते ना तो समझ आता कि थप्पड़ आपको पड़ता है पर दर्द हमें होता है। आए हाय, दो जिस एक जान। पर आप चिंता मत कीजिए, बाऊजी का दिल जीत लिया मैंने उस कथावाचक को उठाकर। अब देखिए ना, इधर तुलसी धाम के पेपर पे साइन हुआ और उधर बाऊजी की नजर में मेरी इज्जत बढ़ी और आपकी इस घर में। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। मतलब ये कि बनना तो आपको MLA है लेकिन इतना नहीं पता कि नेता प्रॉब्लम उलझाते हैं। सुलझाते नहीं है, पर छोड़िए, आपको समझाना क्या? आपको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। नहीं, 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 नहीं। अरे फाल्गुनी जी, अरे दिमाग तो मेरा लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलता है, पर बाबूजी ये तो जोर से थप्पड़ मार दो कि सारा सिस्टम मिल गया हुआ है। अभी आपका दर्द ठीक कर देते हैं हम। ये कर दी ना आपने दिल जीतने वाली बात। आप अगर प्यार से एक बार छू देंगी ना तो सारा दर्द गायब हो जाएगा। बस अभी छूते हैं आपको प्यार से। हाँ, कौन सा इलाज? मुग्धा भाभी, ऐसे ही आपके सपने भी एक दिन अंगारे में सेक दूंगी, फिर चाहे मुझे अपने हाथ ही क्यों ना चलाना पड़े उसके लिए। तुलसी बिटिया, पापा, पापा ठीक है ना? बेटा हम तो ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? हम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम्हें तो गहरी चोट लगी हुई है। आ बैठो। सुमिता, जा तुलसी का लेप बना कर ला। नहीं बा, पापा उसकी कोई जरूरत नहीं, बस हल्की सी खरोच और कुछ नहीं। वैसे भी आपका प्यार पाकर ना हमारे सब दर्द हवा हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करती जा, मेरे पीछे आने की जरूरत क्या थी? पापा, हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी, पर हुआ क्या था? उस त्रिगुण सोलंकी ने आपको क्यों बुलाया? जो बीत गई सो बीत गई बेटी, अब जाने दो उस बात को। नहीं बाबा, हमें पूरा हक है जानने का और आपने हमसे कहा था कि आप वापस आकर हमें सब कुछ बताएंगे। तुलसी, तुम्हारे बाबा सुबह की भागदौड़ से थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दो। नहीं माँ, समस्याओं से भागना उनका हल नहीं होता है बल्कि उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए बाबा हमें बताइए क्या कहा उस त्रिगुण सोलंकी ने। बाबा आपको हमारी कसम है, सच सच बताइए हमें सब कुछ। अब क्या चाहता है वो त्रिगुण सोलंकी आपसे? बेटा, त्रिगुण सोलंकी का तुलसी धाम पर पिछले 21 साल से कब्जा है। लेकिन उसके पास उसके कागजात नहीं है। वो चाहता है कि मैं तुलसी धाम उसके नाम लिख दूं। आप क्या कह रहे हैं बाबा? 21 साल से मैं तुमसे एक सच छुपाता रहा बेटा, लेकिन अब मैं तुमसे कोई सच नहीं छुपाऊंगा। आज दिन भर से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, न उन्हें भोग लगाया न उन्हें जल पिलाया। चलो सुमित्रा, लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं। जी, मतलब वो त्रिगुण सोलंकी हमसे हमारे लड्डू गोपाल का धाम छीनना चाहता है, इसलिए उसने हमारे बाबा को, पता नहीं इस वक्त बाबा पर क्या बीत रही होगी।